की कड़ा से स्टार्ट होती है और ये पूरी 24 को उसकी परिक्रमा होती है। बड़ा पवित्र ये हमारे आदि अनादि काल से परिक्रमा चलती आ रही है। महाराज जी दिने दाजी महाराज के सनेदे में होती है, अच्छी होती है। खूब संत महात्मा आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। खूब भगत जोगत जय श्री चार दिन ठीक है। हमारी परंपरा जो है अनादि काल से चलती आ रही है, ये 24 कोस की परिक्रमा मालखेत भगवान की। यहाँ से नहीं, ये गुरु दादा गुरु हमारे जो भी थे तो पहले से ही परिक्रमा चलती आ रही है। इस परिक्रमा के माध्यम से हमारे राज्य देश काल भगत जगत सबके अंदर सुख शांति आती है। इस परिक्रमा से अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। जो इस परिक्रमा के साथ होते हैं या नहीं भी होते हैं, परिक्रमा से यानी देश में अनेकों प्रकार की सुख शांति आती है। और ये परिक्रमा जो सप्त धाराएं हैं मालखेत के अंदर, तो जहाँ जहाँ पर जैसे आज अभी परिक्रमा यहाँ से निकलेगी तो कुंड पर जाएगी। कुंड पर जा करके गंगा माता का पूजन होगा, ठाकुर जी का पूजन होगा, आरती धूप करके फिर वहाँ से संत महात्मा के साथ में पालकी यहाँ से ठाकुर जी की निकलेगी। तो पहला मुकाम हो जाएगा किरोड़ी। किरोड़ी में रुक करके फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा जो भी वंदना है आरती स्तुति वहाँ पर संत महात्मा रात्रि विश्राम करेंगे। फिर वहाँ से सुबह निकलेंगे संत महात्मा ठाकुर जी की सेवा पूजा स्तुति वंदना कीर्तन भजन जय सियाराम का उद्घोष लगाते हुए शाकंभरी माता पहुँचेंगे। शाकंभरी माता में फिर वही प्रकरण रहेगा जो आरती पूजा सेवा वंदनी सप्त धाराएँ हैं। सप्त धाराओं का परिक्रमा करते हुए इसमें हमारे शाकंभरी माता खाकी अखाड़ा और रघुनाथगढ़ फिर वापसी में लोहागढ़। तो ये सब परिक्रमा के चारों तरफ से जो तीर्थ है इनमें वहाँ वहाँ पर पालकी ठाकुर जी की रुकती है, गंगा स्नान होता है, सेवा पूजा होता है, संत महात्मा प्रसाद वितरण संत महात्माओं का विशेष रूप से स्वागत होता है। और ये आज से नहीं, पहले ही हम बताएं कि जो परंपरा चली आ रही है इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जो भी है सब पूरा भारतवर्ष से इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर के इस परिक्रमा का संचालन ये चार संप्रदाय के द्वारा करने का पहले से ही ये नियम है और आज भी उसी आधार से चलते आ रहा है, आगे इसी आधार से चलते रहेगा। और परिक्रमा के अंदर जो भी त्रुटि होती है शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। शासन प्रशासन इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था बनाती है। शासन प्रशासन जब व्यवस्था पूर्ण रूप से बन जाता है तो फिर उसमें कहीं भगत जगत का संत महात्मा, क्योंकि पहले लाखों में आज कई लाखों में ही जनसंख्या हो जाती है। इस जनसंख्या को लेकर के मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो भी अच्छे कहीं ऊंचा नीचा खला जो भी आता है उसमें संत महात्मा अपने त्याग तपस्या के बल से उस परिक्रमा मार्ग को दूरी तय करते हैं। और इसी आधार से आज हम सब स्नान ध्यान सब संत महात्मा करके अब ठाकुर जी की पालकी लेकर के गंगा माता पर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर रवानगी लेंगे। और इसी जय जय सियाराम का उद्घोष करते हुए झंडा बैनर यानी जो भी उनका चिन्ह चक्र है ठाकुर जी का सब साथ में लेकर के यहाँ से रवानगी लेंगे और भगत जगत सब पहुँचेंगे वहाँ पर। और ये मालखेत की परिक्रमा आज से नहीं बहुत दिनों से चली आ रही है। जय श्री राम।